सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अगेन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सिलेबस से रिलेटेड, की बीएड के क्या सिलेबस है एंड ऑल बाकी सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग पार्टिकुलर देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जिसको आपको बहुत ध्यान पूर्वक रखना है, क्योंकि अगर इस चीजों को अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका एडमिशंस बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। कि फर्स्ट थिंग कि आपको एंट्रेंस जो है वो सिर्फ दिल्ली में होगा, ये आप बिल्कुल ध्यान मत रखिएगा। कि हाँ, आप सोचिएगा कि आप अपनी जगह बैठे हैं और वहां आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनटेक्स जो है वो 500 होंगे, लेकिन ये 500 सीट्स जो है ये 10 जगह डिवाइडेड होंगे। ये 10 जगह कहाँ कहाँ डिवाइडेड होंगे उसके बारे में भी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप थोड़ा बने रहे वीडियो के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं या जो भी लेना चाहते हैं। इच लर्नर सपोर्ट सेंटर कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 50 स्टूडेंट, यानी कि जो LSC है लर्नर सपोर्ट सेंटर, इसमें 50 बच्चे ही होंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बात किया कि 10 पार्ट में डिवाइड होंगे, वही 10 पार्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लर्नर सपोर्ट सेंटर जो है वो कितने हैं, एक जगह वो 50 स्टूडेंट्स को ही ले सकते हैं, टोटल कितने हैं 10 है। नेक्स्ट क्या है, LSC विल बी अलॉटेड लर्नर सपोर्ट सेंटर अलॉट किया जाएगा ईच एंड एवरी एप्लीकेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। तो इसको कब प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपकी मेरिट के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर, बाई CDOE, CDOE के ऊपर, JMI न्यू दिल्ली सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा, जो LSC यानी कि लर्नर सपोर्ट सेंटर है उसके बेसिस पे एक जगह पे 50 स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपकी रैंक बहुत मैटर करेगी यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल्स अगर आपको जाननी है किसी भी चीज से रिलेटेड, जामिया से रिलेटेड, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0112698171 पर। आपको एक्सटेंशन कितना यूज करना है, 4724। साथ साथ जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 15 मार्च 2023 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो 15 मार्च 2023 को है। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा इससे हटकर बात करें कि आखिर ये कौन कौन से जगह पे दिए जाएंगे, तो उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें कि कौन कौन सा जगह है, तो वो आपका जो सेंटर है लर्नर सपोर्ट सेंटर वो है CDOE, ये आपका फर्स्ट एड्रेस हो गया। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ये कौन कौन सा जगह है। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड वन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, करनाल रोड। फोर्थ वन इज श्री साई बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, झाझर हरियाणा, भगवान पुरुषोत्तम कॉलेज ऑफ एजुकेशन पानीपत, अल फलाह यूनिवर्सिटी धौज फरीदाबाद, जन सेवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भक्ता बाला बीएड कॉलेज एंड क्रेसेंट एजुकेशन ट्रस्ट। तो ये 10 जगह है जहां पे हर जगह 50-50 बच्चों को इनटेक किया जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं और अब आगे कुछ चीजों को और जानते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे जो YouTube चैनल है, आपको हमारे YouTube चैनल पे बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। साथ साथ आप चाहें तो आप हमारे YouTube चैनल पे एक बीएड की प्लेलिस्ट बनी है, आप उस बीएड की प्लेलिस्ट में आप जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हो, जिसका लिंक आपको आई बटन पे दे दिया जाएगा। आप उस आई बटन पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।